हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एच एन क्लासेस। तो हम लोग लास्ट क्लास में एरर्स के बारे में पढ़े थे, जैसे कि एब्सोल्यूट एरर्स क्या होते हैं, रिलेटिव एरर क्या होते हैं, परसेंटेज एरर क्या होते हैं, और जो टाइप्स होते हैं ना एरर्स का, 5 टाइप्स इन टोटल होते हैं, वो सब हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में। ठीक है, तो आज उसी एरर्स के ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चंस में एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर जो 2.7 है वो भी करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2.7 एनसीईआरटी बुक का वो भी हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, एकदम आसानी से समझेंगे। ओके, एकदम इजी भाषा में। ओके, तो बोलो, क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन करा दूं? हाँ बोलो। अच्छा, कर देते हैं। ठीक है, देखो, तो हम लोग जो शुरू किए थे एब्सोल्यूट एरर्स ये सब वगैरह, ओके, ये शुरू हुआ था रैंडम एरर्स की वजह से। ठीक है, तो रैंडम एरर्स क्या होता था कि जहां पे वैल्यू आना चाहिए था, सपोज कुछ वैल्यू आना चाहिए था 2.3 मान लेते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम भी 2.3 माना था ना। ओके, तो लेकिन वैल्यू क्या आ रहे हैं, 2.2, 2.4, ऐसा कुछ रैंडम वैल्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी को ऐसे समझे थे कि कोई भी वैल्यू आ सकता है ना, हम लोग को नहीं मालूम क्या वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग मान रहे थे कि ये जो वैल्यू आ रहा है, पहले A1 माना, फिर वैल्यू जो आया A2, फिर A3, ऐसे डॉट 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 वैल्यू AN तक आया सपोज। ओके, तो ये सब वैल्यू आया। ओके, इन वैल्यूज को हम लोग बोलते थे मेजर्ड वैल्यूज। ठीक है, तो ये वैल्यूज आया जो कि अलग अलग वैल्यूज है। ओके, तो सेम भी हो सकते हैं एक दो वैल्यू, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। ओके, तो हम लोग क्या किए थे, मेजर वैल्यू को इतना सारा तो नहीं लिख पाएंगे ना, हम लोग इनका एवरेज निकाला था। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालते थे, तो मेजर वैल्यू का एवरेज निकालने के लिए हम लोग सबको सम कर दिए थे। ओके, ऐसे A3, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस AN, ऐसे सबको सम किया, फिर N से डिवाइड किया, तब क्या मिला, एवरेज। ओके, और मीन मिला, इसको हम लोग लिखे थे ए मीन। ओके, तो मेजर वैल्यू का हम लोग एवरेज निकाला, जिसको बोला ए मीन। फाइन, तो फिर क्या किया था, जो एब्सोल्यूट एरर से उसको निकाला था, तो एब्सोल्यूट एरर्स को हम लोग लिखते थे डेल्टा A1। ठीक है, तो पहला वाला जो था हम लोग ए बार लिखा था माइनस A1। ठीक है, तो ए बार क्या होता है, ए बार मतलब ए मीन ही होता है। ठीक है, ए मीन को हम लोग शॉर्टकट ए बार लिखा था। ठीक है, तो ए मीन से हम लोग क्या किया, इंडिविजुअल वैल्यू को A1 को माइनस किया। ठीक है, तब क्या मिला, एरर मिला, जो एरर है जिसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, फिर से हम लोग क्या किया था, डेल्टा A2 निकाला था, है कि नहीं, फिर इसको लिखा था ए बार माइनस A2, फिर क्या मिला, ऐसे डॉट 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 A3 A4 ऐसे मिलेंगे ना, फिर लास्ट में मिलेंगे AN, है कि नहीं, तो फिर लिखेंगे ए बार माइनस AN। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब है इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, तो ये जो एब्सोल्यूट एरर है, ओके, इसका अगर हम लोग एवरेज निकाले तो क्या मिलेंगे, तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल यहाँ पे लिख सकते हैं ना, तो हम लोग एवरेज निकालेंगे कैसे, हम लोग लिखेंगे डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 मान लो, प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर लिखेंगे प्लस डेल्टा AN। ओके, तो सबको हम लोग अभी डिवाइड करेंगे किससे, एन से, तब क्या मिलेंगे, एवरेज मिलेंगे ना, तो इस एवरेज को हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा ए बार। ठीक है, तो ये क्या है, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट, ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट हो गया, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो हमें मिला मीन एब्सोल्यूट एरर ऐसे। ठीक है, फिर हमने निकाला था परसेंटेज एरर क्या होता है। ठीक है, तो फिर उससे पहले निकाला था रिलेटिव एरर क्या होता है। ठीक है, रिलेटिव एरर को हम लोग कैसे निकाले थे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दूसरी कलर से लिख देता हूँ। तो रिलेटिव एरर क्या था कि रिलेटिव एरर जो था, रेशियो था किसका किसका भी, इसमें ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है इसका, और ये जो एवरेज मेजर वैल्यू है, ये क्या है, एवरेज मेजर वैल्यू और मीन मेजर वैल्यू। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लोग लेंगे थे डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय, हम लोग करेंगे ए बार। ठीक है, तो दोनों का रेशियो क्या था, रिलेटिव एरर था। फाइन, तो फिर परसेंटेज एरर निकले थे, तो परसेंटेज एरर क्या था, जो ये है ना, इसका हम लोग 100% दिए थे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा ए बार बाय ए बार इनटू 100%।
तो मैं देख लेता हूँ वीडियो पे आ रहा है कि नहीं है। पर्सन रह गया, इसको हम लोग नीचे में अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या आएंगे आंसर, डेल्टा ए बार बाय ए बार इनटू 100%, ठीक है। तो ये था परसेंटेज एरर। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि द लेंथ ऑफ ए रॉड इज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड टू बी 2.48 मीटर, फिर कितना आया 2.46, 2.49, 2.50, ऐसा ये सब मेजर वैल्यू है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था मेजर वैल्यू, क्या क्या लिखा था, A1, A2, ये सब मेजर वैल्यू हम लोगों ने लिखा था, ठीक है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे जो मेजर वैल्यू आया कितना आया, इतना आया, ठीक है। तो हम लोग इसको A1, A2 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसको L भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेजर वैल्यूज क्या क्या आया, पहला जो मेजर वैल्यू है वो मान लेते हैं L1, वो कितना आया, वो आया कहाँ पे 2.48 मीटर, ठीक है। फिर जो मेजर वैल्यू आया L2 वो कितना आया 2.46 मीटर। फिर जो मेजर वैल्यू L3 आया वो कितना आया 2.49, हाँ बोलो। फिर जो नेक्स्ट आया मेजर वैल्यू L4 कितना आया बोलो 2.50 मीटर। फिर जो L5 आया मेजर वैल्यू वो कितना आया 2.48 मीटर, ठीक है। तो ये सब है मेजर वैल्यू, इन सब का हम लोग क्या करेंगे अभी एवरेज निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे निकालने देना फाइंड द एवरेज लेंथ, ओके। तो एवरेज लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला था, हम लोग क्या किए थे, मेजर वैल्यू को सम किए थे, फिर टोटल नंबर से डिवाइड किए थे, ठीक है। तब एवरेज और मीन मेजर वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन सबको सम करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल कितना है 5 है, ठीक है। तब हम लोग को क्या मिल जाएंगे, मीन मेजर वैल्यू और एवरेज मेजर वैल्यू। तो इसके लिए इसको मीटर में करेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लो, ठीक है। इसको मीटर लेते हैं। तो मीन मेजर वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे अभी, तो मीन मेजर वैल्यू के लिए हम लोग सबको सम करेंगे, ठीक है। जिसको हम लोग लिखेंगे L बार, वहां पे क्या लिखा था A बार लिखा था ना, तो यहाँ पे हम लोग L बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या निकलने जा रहे हैं अभी, एवरेज लेंथ, जिसको हम लोग सिंबल के लिए क्या लिखा, L बार, फाइन। तो एवरेज लेंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको सम करेंगे ना, तो सम कितना आएंगे, L1 प्लस L2, वहां पे किया था ना A1 A2 ऐसे, तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे करेंगे L5 डिवाइडेड बाय 5, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, L1 की जगह पे 2.48, ओके। तो पहले लिखेंगे 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस क्या लिखेंगे बोलो 2.48, लास्ट में 2.48 है, ठीक है। फिर नीचे क्या लिखेंगे 5, ओके। जब इनको सम करेंगे, सम करने के बाद जो आंसर आएंगे वो कितना आएंगे 12.41, ओके 12.41 डिवाइड बाय 5। तो आंसर जो आएंगे वो होंगे कितना 2.48, ओके। तो L average हमें कितना मिला, L average हमें मिला 2.48। इसको हम लोग ऐसे हाईलाइट करके रख देंगे, ठीक है। तो हम लोगों को पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया जो था एवरेज लेंथ, ओके। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन ईच केस, ओके। एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, मतलब हर एरर को, हर एब्सोल्यूट एरर को अलग अलग हम लोग निकालेंगे। टेक्निक क्या था निकालने का, हम लोग लिखते थे ना डेल्टा ए बार इज इक्वल टू ए बार माइनस A1, ऐसा था ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे डेल्टा L, ठीक है। इस बार एक को हमने L से रिप्लेस किया, तो डेल्टा L बार इज इक्वल टू L बार माइनस L1 ऐसे होंगे, ठीक है। तो ये मेन फॉर्मूला जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है, लास्ट क्लास में, आज भी हमने रिवीजन किया, ठीक है। तो अभी A को यहाँ पे L से रिप्लेस किया, तो जो वैल्यू आएंगे वो कितना होंगे, L बार कितना मिला, L बार मिला 2.48, देखो है कि नहीं, ओके। तो L बार है 2.48 माइनस L1 कितना है बोलो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना L1 कितना है 2.48,
2.48 मीटर, ठीक है। तो L1 भी है 2.48 मीटर, तो आंसर कितना है 0.00, ठीक है। तो हम लोग को मिला जो एब्सोल्यूट एरर है, आप यहाँ पे लिख देंगे L1, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर कितना मिला पहले केस के लिए, पहला ऑब्जर्वेशन के लिए 0.00, ठीक है। फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए जो एब्सोल्यूट एरर होंगे उसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा L2, ठीक है, जो होंगे L बार माइनस L2, ठीक है। आंसर क्या आ जाएंगे, और यहाँ पे एक्सिस देखो, ये जो बार है ना, ये बार नहीं चाहिए, ठीक है। तो बार कब आएंगे, जब हम लोग एवरेज की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग एवरेज की बात नहीं कर रहे, तो हम लोग अभी यहाँ पे सिर्फ एब्सोल्यूट एरर हर केस के लिए निकल रहे, हर मेजरमेंट के लिए निकल रहे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए एब्सोल्यूट एरर होंगे वो होंगे डेल्टा एल टू, जो होंगे एल बार माइनस एल टू, उसको हम लोग लिख सकते हैं 2.48 माइनस, क्या लिखेंगे, एल टू कितना था 2.46, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2.46, तो आंसर क्या आएंगे 0.02, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एल टू कितना आया, 0.02, फाइन। ठीक उसी तरह हम लोग थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए निकल सकते हैं, उसके लिए ये मिटाना पड़ेंगे, ओके। तो मैं क्या करूं अभी, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, है ना। तो हमें L बार तो मिल ही गया ना, आप लोग इसे नोट करके रखो, ठीक है। तो L बार को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, L बार 2.48, ठीक है। तो आप लोग शायद सुन पा रहे हो, बाहर दोगे बहन भूख रही है ना, क्या ही करे, जानवर है बेचारे, कुछ कर नहीं सकता। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो अभी हम लोग L3 की, डेल्टा L3 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो डेल्टा L3 क्या होंगे, L बार माइनस L3, ठीक है। तो L बार कितना आया 2.48 माइनस L3 कितना आया, L3 यहाँ पे है ना 2.49, ठीक है। आंसर कितना आएगा 0.01, लेकिन माइनस पे आएंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह हम लोग क्या निकल सकते हैं, डेल्टा L4, ठीक है। डेल्टा L4 कितना आएगा, L बार, L बार कितना 2.48 माइनस 2.50, तो L4 कितना है, L4 है 2.50, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 0.02, लेकिन यहाँ पे फिर से माइनस आएंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह डेल्टा L5 की वैल्यू क्या आएंगे, 2.48 माइनस 2.48, L5 48 है, तो आंसर क्या आएंगे 0.00 आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमें क्या मिल गया, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन मिल गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, एब्सोल्यूट एरर्स है हर ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। तो हम लोगों को अभी क्या निकलने दिया, फिर परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या था, ओके। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला था जो रिलेटिव एरर था, ठीक है। रिलेटिव एरर क्या था, डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए बार, ओके, इसका 100%, तो ये है परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे रिलेटिव एरर, जिसके लिए अगेन हमें चाहिए होंगे डेल्टा ए बार और ए बार। ए बार तो हमें मालूम है ना, ए बार क्या था, एल बार था इस केस में, ठीक है। तो डेल्टा ए बार यानी हमें चाहिए डेल्टा एल बार, ओके। तो डेल्टा एल बार है क्या, ठीक है। तो हमें चाहिए डेल्टा एल बार कितना है, ठीक है। तो इसको निकलने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। तो डेल्टा एल बार मतलब क्या, एब्सोल्यूट एरर्स जो मिला, ओके, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स, उसका समेशन, ठीक है। तो हम सबको सम करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से, मतलब हमें चाहिए एक्चुअल में एवरेज, ओके। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एल बार के लिए हम लोग डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 प्लस डेल्टा L5 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, ठीक है। तब हमें मिलेंगे एवरेज एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो डेल्टा L1 क्या मिला था, डेल्टा L1 मिला था, और यहाँ पे मैंने मिटा दिया, फिर भी कोई बात नहीं, मुझे याद है, मैं लिख देता हूँ। तो डेल्टा L1 क्या था 0.00 प्लस डेल्टा L2 क्या था 0.02, ठीक है।
प्लस डेल्टा एल थ्री यहाँ पे लिखा हुआ है कितना है -0.01, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -0.01। लेकिन क्या था फॉर्मूला में, मैग्नीट्यूड लेना था ना, तो मैग्नीट्यूड इसी कारण ही लेना था, ठीक है, ताकि यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ना बन जाए, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड लेने से माइनस प्लस बन जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो डेल्टा एल फोर है वो कितना है -0.02, मैग्नीट्यूड -0.02, ठीक है, प्लस कितना आएंगे, प्लस यहाँ पे जो डेल्टा एल फाइव है वो है 0.00, मतलब हम लोग जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे क्या आएंगे 5, ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करोगे कितना आंसर आएंगे, आंसर आएंगे 2+1, ओके, इसको हम लोग इसे लिख लेते हैं ना, ये जीरो है, जीरो का कुछ काम है नहीं, तो 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाय 5, तो मैग्नीट्यूड मॉडुलस लेने से माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, आप लोग जानते हो ये सब इजी है। तो इसको जब सम करोगे, सम करने से आंसर कितना आएंगे, तो आंसर आएंगे 0.03, ठीक है, सॉरी 0.05 आएंगे डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर इसको जब कैलकुलेट करोगे आंसर आएंगे 0.01, तो डेल्टा एल बार का वैल्यू कितना आया 0.01। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से रिलेटिव एरर निकल सकते हैं, तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या था इसको मिटाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे अभी रिलेटिव एरर, ठीक है, तो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू क्या है डेल्टा ए बार बाय ए बार, ये था ना, लेकिन यहाँ पे ए को हमने एल से रिप्लेस किया ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे डेल्टा एल बार बाय एल बार, ठीक है, तो डेल्टा एल की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा एल की जगह पे ये लिखेंगे 0.01 डिवाइडेड बाय डेल्टा, यहाँ पे क्या है एल बार, एल बार की जगह पे ये लिख देंगे, ठीक है, एल बार ये है 2.48, ओके, तो इसको जब डिवाइड करोगे आंसर कितना आएंगे 0.0040 ऐसे आएंगे, इतना आंसर आएंगे, ठीक है, तो रिलेटिव एरर हमें मिल गया, ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करेंगे, तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा एल बार बाय एल बार इनटू 100%, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है डेल्टा एल बार बाय एल बार कितना है 0.004 इनटू 100%, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आएंगे 0.40%, ठीक है, तो हमें फाइनली मिल गया परसेंटेज एरर कितना है, ओके, तो आंसर पे क्वेश्चन पे क्या फाइंड करने दिया था परसेंटेज एरर, ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो होंगे एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2.7, ठीक है, तो आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लो, हो गया मिटा दो इसे, ओके, तो अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2.7, ठीक है, आप लोग बुक खोल के एक बार पढ़ लो, कल ना एक बहुत ही ज्यादा फनी सिचुएशन हो गया, ठीक है, तो मैं बाहर चाय पी रहा था, ओके, मेरे बगल में और कोई लड़का था जो वो लोग भी चाय पी रहे थे, वो लोग कुछ फनी बातें कर रहे थे, हंसी मजाक वाले कुछ बातें कर रहे थे, ठीक है, तो एक लड़का अचानक बोल रहा है कि मतलब उसका दोस्त को बोला, मुझे नहीं बोला, देखिए वो बोल रहा था कि देख भाई तू जितना टी शर्ट हफ्ते में बदलते है ना उससे ज्यादा लड़कियां मैं अपना बाइक के पीछे बिठाता हूँ, ठीक है, तो मैं चौंक गया, मतलब वो लड़का बोल कह रहा है, वो सेलिब्रिटी है कोई, ऐसा मैं चौंक गया मतलब, ठीक है, तो बाकी लोग भी मतलब क्या है, ओके, तो मैं उसको ऐसे ही धीरे से पूछ लिया, भाई तो रेपिडो चलाता है क्या, वो लड़का बिल्कुल चुप हो गया, तब मैं भी समझ गया मतलब वो सचमुच चलाते है, ओके, बाद में कॉन्फर्म भी किया, ओके, उसका बाइक में मैंने जाके देखा वहाँ पे लिखा हुआ था रेपिडो, तो वो सचमुच रेपिडो ही चलाता था, इसलिए वो गुस्सा हो गया शायद, ओके, तो अभी हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल एग्जाम्पल 2.7, ओके, तो आप लोग शायद पढ़ लिए क्वेश्चन को, बुक खोल के देखो, नहीं पढ़ रहे तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिख देता हूँ, तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछ रहे हैं कि वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो सब मेजर कर रहे हो, ठीक है, मतलब क्या मेजर कर रहे हो कि ये सिंपल पेंडुलम है ना,
ये बॉब है, ठीक है। तो ये यहां से स्टार्ट हुआ, सपोज यहां से स्टार्ट हुआ, पहले कहां पे था, यहां पे था, ओके। तो यहां से स्टार्ट हुआ और ऐसे यहां तक आया, इसका मतलब यहां से यहां तक आना मतलब क्या, हाफ ऑसिलेशन, फिर वापस यहां तक जाना, ये क्या है, कॉम्प्लीट ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये वन ऑसिलेशन, वन कॉम्प्लीट ऑसिलेशन होने में कितना टाइम लगा, हम लोग उसे बोलते हैं टाइम पीरियड टी, ठीक है। इसी टी को मेजर कर रहे थे, ठीक है। तो पहली बार जब मेजर किया, ये जो टाइम पीरियड आया कितना आया, टी वन लिख देते हैं, टी वन कितना आया, 2.63, क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दिया है हमें, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड आया कब, पहली बार जब मेजर किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, यहां से यहां तक आके फिर वापस यहां तक जाना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर से मेजर किया, नेक्स्ट टाइम टाइम पीरियड कितना मिला, T2 लिख देते हैं इसे, तो इतना मिला, ठीक है। नेक्स्ट टाइम सेकंड केस में टाइम पीरियड मिला 5-6 सेकंड, थर्ड केस में टाइम पीरियड मिला T3 जो है 2.42 सेकंड, फिर कितना मिला टाइम पीरियड T4 जो है 2.71 सेकंड, फिर कितना मिला T5 जो कितना है 2.80 सेकंड। फाइन, यहां तक समझ में आ गया कि इंफॉर्मेशन दिया क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या फाइंड करने दिया उसी को देखते हैं, कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर। तो हमें फाइंड करने दिया एब्सोल्यूट एरर, पहले इसे फाइंड करेंगे, उसके बाद फाइंड करेंगे रिलेटिव एरर, उसके बाद परसेंटेज एरर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला था वो था क्या था, डेल्टा डेल्टा ए लिखा था ना इसे, डेल्टा ए वन, फिर था ए एवरेज माइनस ए वन, ऐसा था ना फॉर्मूला कुछ, ओके। फिर ए टू के लिए निकल सकते थे, ठीक है, डेल्टा ए टू इज इक्वल टू ए एवरेज माइनस ए टू, ऐसे लिखे थे, ठीक है। ए थ्री ए फोर ऐसे निकल सकते थे, ओके। तो उसके लिए हमें चाहिए था एवरेज, ओके। तो इन सब का जो एवरेज होगा उसी को निकालना होगा, तो इन सब का एवरेज को हम लिख देंगे टी एवरेज, ओके। टी एवरेज को हम टी बार भी लिख सकते हैं और टी एवरेज ही लिख देते हैं, ठीक। तो टी एवरेज और टी मीन भी लिखते हैं, फाइन। तो इसको टी मीन हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला वगैरह निकाला था वहां पे मीन लिख दिया था, ठीक है। तो एवरेज मीन एक ही बात होता है, वहां पे कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबको सम करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे 5 से, तो तब क्या मिल जाएंगे, टाइम पीरियड का एवरेज, ठीक है। तो उसी को कर लेते हैं, क्या आएंगे, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस कितना आएंगे 2.71 इसको मिटाना पड़ेगा, ओके। फिर क्या आएंगे 2.80, ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, तब क्या मिल जाएंगे एवरेज, ओके। तो इसको आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर लेना, मैं अभी देख के यहाँ पे लिख देता हूँ, आंसर आएंगे 2.62, ठीक है, 2.62 सेकंड, ये है एवरेज टाइम, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर हर केस के लिए अलग अलग, हम लोग टोटल 5 एब्सोल्यूट एरर्स निकालेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा टी वन, ये है पहली जो मेजरमेंट था उसके लिए एब्सोल्यूट एरर, जो होंगे टी एवरेज माइनस टी वन, ओके, आ रहे समझ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टी एवरेज कितना मिला, 2.62, है कि नहीं। फिर टी वन कितना है, T1 किधर है, इधर ना, 2.63, ठीक है, 2.63, ओके। इसको जब माइनस करोगे क्या मिलेंगे, 0.01, लेकिन यहाँ पे आएंगे माइनस, ओके। तो आंसर आएंगे माइनस 0.01। फिर क्या करेंगे, T2 निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, T2 इसको दूसरा कलर से लिख देते हैं। तो अभी हमें मिलेंगे T2, डेल्टा T2, ठीक है। तो डेल्टा T2 कितना होंगे, टी एवरेज माइनस T2, ओके। तो आंसर कितना आ जाएंगे, टी एवरेज कितना है, टी एवरेज ये है ना 2.62 माइनस T2 कितना है, T2 ये है ना, ओके, 2.56, ओके। तो आंसर कितना आएंगे, आंसर यहाँ पे 12 माइनस 6 इज 6, तो यहाँ पे आएंगे 5 माइनस 0, आंसर 0.06, ये प्लस पे आएंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव एरर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या था, नेगेटिव एरर। तो हम लोग ये लास्ट क्लास में समझे थे अच्छे से, पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, हम लोग निकालेंगे T3, क्या आएंगे,
टी डैश टी बार माइनस टी थ्री आएंगे, ठीक है। तो टी बार कितना है 2.62 माइनस कितना आएंगे टी थ्री 2.42, ठीक है 2.42। तो आंसर कितना आएंगे यहाँ पे 0.20, ठीक है। तो ये होंगे यहाँ पे आंसर डेल्टा टी थ्री का, ठीक। उसी तरह हम लोग डेल्टा टी फोर निकल पाएंगे, तो यहाँ पे इसको मिटा के निकल लेते हैं। डेल्टा टी फोर इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 2.62 माइनस यहाँ पे लिखेंगे 2.71, ओके। तो आंसर कितना आएंगे 0.09, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे माइनस, ओके। तो अभी हम लोग निकालेंगे क्या डेल्टा टी फाइव, ओके, जो होंगे कितना 2.62 माइनस 2.80, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएंगे वो होंगे 10 माइनस 2 इज 8, यहाँ पे 7 माइनस 6 इज 1, फिर ये डेसिमल 0 यहाँ पे आ जाएंगे माइनस, ठीक है। तो अभी हमें एब्सोल्यूट एरर्स निकाल लिए, ठीक है। तो ये है एब्सोल्यूट एरर्स जो हमने निकाल लिया, ठीक है, डेल्टा टी वन डेल्टा टी टू डेल्टा थ्री ये सब, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे रिलेटिव एरर्स निकालेंगे। उससे पहले हम लोगों को निकालना होगा ये जो एब्सोल्यूट एरर्स निकले उसका एवरेज, ठीक है। तो उसको पहले फाइन कर लेते हैं, क्या फाइन करेंगे अभी एब्सोल्यूट एरर्स जो निकले उसका एवरेज और मीन, ठीक है। तो देखो ध्यान से डेल्टा टी बार ये क्या है एब्सोल्यूट एरर का एवरेज, और हम लिख सकते हैं एवरेज एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू क्या आएंगे यहाँ पे डेल्टा टी वन प्लस डेल्टा टी टू प्लस क्या आएंगे डेल्टा टी थ्री प्लस डेल्टा टी फोर प्लस डेल्टा टी फाइव, ओके। इन सब का क्या लेना है मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे नीचे टोटल फाइव, ठीक है। तो अभी हमने निकाला था ये सब वैल्यू डेल्टा टी वन डेल्टा टी टू ये सब निकाला था ना, उसी को यहाँ पे बिठा लेने से आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पे मिटा दिया, तो मैं इसे देख के लिख देता हूँ क्या क्या था वैल्यूज वगैरह। पहला वैल्यूज था 0.01, एक्चुअली माइनस 0.01 था, तो मैग्नीट्यूड लेने से ये 0.01 बन जाएंगे। फिर था प्लस 0.06 प्लस 0.20, ओके, प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाय कितना होंगे 5, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे ये इजी है कैलकुलेट करना, ठीक है, आप लोग कर लोगे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएंगे वो होंगे 0.011 सेकेंड, ठीक है। तो ये है डेल्टा टी एवरेज, मतलब एवरेज एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे परसेंटेज एरर, ठीक है। तो यहां तक हमने समझ लिया, अभी निकालेंगे परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या था, वो था कि टी बार डिवाइडेड बाय क्या था डेल्टा टी बार डिवाइडेड बाय टी बार इंटू 100%, ठीक है। तो अभी डेल्टा टी बार का वैल्यू हमने निकल लिया जो है 0.11, है कि नहीं 0.11, ओके, यहाँ से इजी है आप लोग कर सकते हो। तो टी बार का वैल्यू क्या था, ठीक है, टी बार का वैल्यू हमने निकाला था ना जो एवरेज मेजर वैल्यू है, तो वो कितना था ये है, ओके 2.62, ओके। तो हम लोग लिखेंगे 2.62, ठीक है, इंटू 100%। इसको जब कैलकुलेट करोगे आपको जो आंसर मिलेंगे वो होंगे 4%, ठीक है। तो आपको आंसर कितना मिलेंगे 4% मिलेंगे, ओके। तो कर पाओगे आप ये कैलकुलेशन आराम से, कर पाओगे आप, तो बहुत स्मार्ट हो ना, कर पाओगे आराम से।
ओके तो यहाँ से हम लोग एक इम्पोर्टेंट चीज निकल सकते हैं ओके जो है ट्रू वैल्यू। ओके तो हम लोगों को ये सब क्या मिला, मेजर्ड वैल्यू तो मिला ना, ये सब जो लिखा हुआ है ये फाइव वैल्यूज ये सब क्या है मेजर्ड वैल्यू। ओके तो ट्रू वैल्यू क्या, जो वैल्यू एक्चुअल में आना चाहिए थे, ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। ओके कैसे निकालेंगे उसी को देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को अभी क्या क्या मिला, डेल्टा डेल्टा टी बार मिला कितना 0.11 सेकंड, ठीक है, फिर टी बार कितना मिला 2.62 सेकंड, ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमें मिला। अभी ध्यान से देखो, जो हम लोग पढ़े थे कि सपोज वैल्यू आना चाहिए था कितना 2.3 मान लेते, ओके, लेकिन वैल्यू कितना आया 2.2 आया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू था ये क्या था, एक्चुअल वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू जिसको हमने टी भी लिखा था, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू है, ये है मेजर वैल्यू, ओके, एम टी लिख दिया मैंने, ओके। जब इसको माइनस करेंगे क्या मिलेंगे हमें 0.1 मिलेंगे, तो ये क्या है, ये है एरर, ठीक है, तो ये हमें एरर मिला। तो यहाँ पे कुछ एवरेज काइंड ऑफ चीजें क्या क्या, यहाँ पे कुछ एवरेज लिया हमने, नहीं लिया, ठीक है। तो हम लोग अभी जो फाइंड किए ओके, तो वहां पे हम लोग एवरेज फाइंड किए थे, ठीक है। तो इसको ये जो ट्रू वैल्यू है इसको निकल सकते हैं हम लोग, ओके। तो ये सब क्या है, मेजर वैल्यू है, तो मेजर वैल्यू का हमने एवरेज लिया था ना, तो एवरेज कितना मिला हमें, मेजर वैल्यू का एवरेज टी एवरेज मिला, ऐसे मिला, ठीक है। तो इसको हम लोग टी बार लिख दिया। तो फिर क्या मिला हमें, एरर मिला ना, तो वो जो एरर मिला वो एरर कितना आया 0.0, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं अभी, फॉर्मूला डेल्टा टी एवरेज, ठीक है। तो ये एवरेज पे नहीं था, ये सिंगल था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू लिख देंगे, ये ट्रू वैल्यू जो होंगे ट्रू वैल्यू भी एवरेज में होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखूं, टी एवरेज, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ट्रू वैल्यू का जो एवरेज है, ठीक है, एवरेज ट्रू वैल्यू, ठीक है, यानी एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे कि ये जो डेल्टा टी बार है वो कितना है 0.11, ठीक है, फिर यहाँ पे टी बार कितना है 2.62, ओके, माइनस ये एवरेज टी भी, ओके। इसको जब आप उस साइड लेके जाओगे तो क्या मिलेंगे, एवरेज ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू कितना है 2.62 प्लस 0.11, ओके। तो ये आएंगे आपका एवरेज ट्रू वैल्यू, ओके, जितना वैल्यू मतलब जितना एक्चुअल वैल्यू होता है ना वो वैल्यू, फाइन। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ प्लस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि हमने एक घोटाला किया था ना, क्या किया था बोलो, तो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड लेके माइनस को हटाए थे, ठीक है। तो आंसर क्या आ सकता है, पॉजिटिव एरर भी आ सकते हैं, नेगेटिव एरर भी आ सकते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सपोज ट्रू वैल्यू था ना, ट्रू वैल्यू मान लेते हैं 2.3, ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू है जो आना चाहिए था, ठीक है। तो वैल्यू इससे कम भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं, है कि नहीं। तो कम आने से सपोज आया 2.2 आया, ओके, इससे ज्यादा आया तो ज्यादा आने से कितना आ सकते, 2.4 आया मान लेते, ठीक है। तो जब कम आया ओके, तब क्या मिला हमें, पॉजिटिव एरर मिला, है कि नहीं। जब ज्यादा आया तो क्या मिला हमें, नेगेटिव एरर। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 2.3 माइनस 2.2, है कि नहीं। तो 2.3 क्या है, ट्रू वैल्यू तो है ना, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, माइनस 2.2 क्या है, 2.2 है मेजर वैल्यू, है कि नहीं। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी ऐसे ही आएंगे ना, इस केस में ट्रू वैल्यू कितना 2.3, है कि नहीं, माइनस मेजर वैल्यू कितना 2.4, है ना। तो 2.3 क्या है, ट्रू वैल्यू है, ओके। फिर यहाँ पे 2.4 क्या है, मेजर वैल्यू है, ठीक है। जब माइनस करोगे क्या मिलेंगे, यहाँ पे आंसर नेगेटिव में आएंगे ना, तो आंसर आएंगे नेगेटिव पे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जब माइनस करोगे आंसर आएंगे पॉजिटिव पे, ओके। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि ये स्मॉलर है, ये ज्यादा ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव एरर आया और यहाँ पे नेगेटिव एरर आया, तो इसका मतलब माइनस प्लस दोनों हो सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किया, माइनस प्लस लगा दिया, ठीक है।
तो आई होप सबको समझ में आ गया। ओके, ज़्यादा टफ नहीं था ये, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं है, कोई कहीं पे दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, ठीक है, तो मैं अच्छे से समझा लूँगा। फाइन, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स क्या होते हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस हमने किया इसको दो तीन बार प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही आसान है, आप लोग कर पाओगे, ठीक है, तो कर लेना।